हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि आप कैसे जावा ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जेसन स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट किया, हमने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसे जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। जैसा कि आप देख रहे होंगे, नेम और वैल्यू, देन की देन वैल्यू, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि कर्ली ब्रैकेट्स में रैप है। तो हम बात करेंगे अब एरे कैसे क्रिएट करना है। तो जेसन एरे कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लेता उससे पहले मैं एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें सारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स को मैं स्टोर कर लूँगा, और उसके बाद मैं जेसन एक एक ऑब्जेक्ट पर इटरेट करके उसे जेसन एरे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट इक्वल्स एरे लिस्ट। ओके, नाउ हम लिस्ट में स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर देते हैं। तो मैं डायरेक्टली स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डायरेक्टली उन्हें ऐड कर रहा हूँ लिस्ट में। तो मैंने कहा लिस्ट डॉट ऐड, हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को एक ऐड किया। इसी तरह से हम और भी करेंगे। तो मैंने इसे कॉपी किया। नाउ 12 12 51 30। ओके, और कर इसी तरह से मैं नेम भी चेंज कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर 5 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं और मैंने उन्हें एरे लिस्ट में ऐड किया। नाउ हम इस एरे लिस्ट को कन्वर्ट करेंगे जेसॉन एरे एरे में। ओके, तो स्ट्रिंग में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं कैसे करना। तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखा। नाउ मैं इस लिस्ट में इटरेट करूंगा। तो मैंने यहाँ पर फॉर लूप यूज़ किया, एनहांस्ड फॉर लूप, जिसमें मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और यहाँ लिस्ट है जिस लिस्ट में से एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आएगा और एक स्टूडेंट वेरिएबल में होल्ड होगा। ओके, इसके बाद हम इसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा जेसॉन ऑब्जेक्ट ओ इक्वल्स न्यू जेसॉन ऑब्जेक्ट। ओके, जेसॉन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नाउ हमने कहा ओ डॉट एक्यूमुलेट, की क्या रखना चाहते हैं हम। तो सबसे पहला होगा नेम, देन वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू हम कौन सा, जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हम इटरेट कर रहे हैं उसका नेम होगा यहाँ पर। तो हमने कहा स्टूडेंट डॉट नेम। ओके, इसी तरह से मैंने इसे कॉपी किया, और यहाँ पर एज की क्या होगा, एज। तो एक एक ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट होगा। तो मैं जस्ट इन ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं इस ओ को प्रिंट करूँगा, जो सारा नीचे का कोड मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नाउ मैंने इसे सेव किया, और नाउ हम इस एग्जाम्पल को रन करते हैं। तो मैंने इस एग्जाम्पल को रन किया, तो आप देखोगे कि एक एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जेसन में कन्वर्ट होकर हम यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, 5 ऑब्जेक्ट से प्रिंट हुए। नाउ हम एक जेसन एरे बनाएंगे और इन सारे ऑब्जेक्ट्स को जेसन एरे में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक जेसन एरे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा जेसॉन एरे इक्वल्स न्यू जेसॉन एरे। ओके, हमने जेसॉन एरे बनाया। नाउ हम इस एरे में एक एक ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया और प्रिंट किया हमने। तो प्रिंट करने से पहले मैं यहाँ पर जेसॉन एरे में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा जेसॉन एरे डॉट डॉट पुट। तो देखेंगे आप ये मेथड पुट, जिसमें आपको एक वैल्यू पास करनी। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट क्या है, ओ। मैंने ऑब्जेक्ट पास किया। नाउ हम यहाँ पर ओ को प्रिंट कर रहा हूँ। लास्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो जेसॉन एरे हमने क्रिएट किया मैं उसे भी प्रिंट करता हूँ। ओके, नाउ इस एग्जाम्पल को आप रन करते। तो यहाँ पर हमने प्रिंट किया, तो आप देखेंगे एक एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ जो कि जेसन है, और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एरे प्रिंट हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरे में हम कैसे पता चलेगा ये एरे है। तो यहाँ पर देखेंगे कर्ली, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब कि एरे स्टार्ट हुआ और स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में एक ऑब्जेक्ट कॉमा दूसरा ऑब्जेक्ट कॉमा तीसरा ऑब्जेक्ट कॉमा चौथा ऑब्जेक्ट, और इस तरह से और भी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये सारे जेसॉन ऑब्जेक्ट हैं, और जेसॉन ऑब्जेक्ट को हमने रैप किया एक जेसॉन एरे में। ओके, तो हम इस पर टू स्ट्रिंग कॉल करके इसे एज अ रिस्पॉन्स क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं, और जावा स्क्रिप्ट में इसे पार्स करके अपने एचटीएमएल पेज में वैल्यूज़ को शो कर सकते हैं। ओके, तो ये सब होता है एजेक्स के थ्रू, जो कि हम फर्दर वीडियोज़ में आगे बात करेंगे कि ये कैसे कैसे करेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।